दिल्ली पुलवामा आतंकी हमले पर विपक्षी दलों के नेताओं के विवादित बयान थमने का नाम नहीं ले रहे। समाजवादी पार्टी के राम गोपाल यादव के बाद अब कांग्रेस के सीनियर लीडर और राहुल गांधी के करीबी कहे जाने वाले सैम पित्रोदा ने पुलवामा हमले पर सवाल उठाया है। पित्रोदा ने विवादित बयान देते हुए कहा कि पुलवामा हमले के लिए पूरे पाकिस्तान को दोषी ठहराना ठीक नहीं है। उन्होंने यह कहा कि मुंबई हमले के लिए भी पूरा पाकिस्तान जिम्मेदार नहीं है। यही नहीं, उन्होंने एक तरह से पाक पर की गई एयर स्ट्राइक पर भी सवाल खड़े किए हैं और मारे गए लोगों की संख्या पूछी है। इससे पहले होली के दिन राम गोपाल ने कहा था कि पुलवामा में वोटों के लिए जवान मार दिए गए। बीजेपी के बागी नेता शत्रुघ्न सिन्हा ने होली के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ट्विटर पर शुभकामनाएं देते हुए उन पर तीखा तंज कसा है। मैं भी चौकीदार हूं। अभियान के बीच पीएम मोदी द्वारा चौकीदारों को संबोधित करने को लेकर सिन्हा ने कहा कि ज्यादातर चौकीदार गरीबी रेखा से नीचे हैं। उन्हें भाषण देने से अहम है उनकी दशा सुधारना। सिन्हा ने ट्वीट किया, सर जी आपको होली की शुभकामनाएं। एक बार फिर मैं विनम्रता मगर दृढ़ता से याद दिलाऊंगा कि चौकीदार अभियान में मत फंसिए। चौकीदार पर आप जितना रक्षात्मक होंगे यह देश को अनुतरित सवालों और राफेल डील की उतनी ही ज्यादा याद दिलाएगी जिसके बारे में लोग जानने के लिए बेचैन हैं। शत्रुघ्न सिन्हा ने आगे लिखा, वैसे सर आपने अचानक बिना तैयारी के और उपेक्षापूर्ण मूड में देश के चौकीदारों को संबोधित किया तथा कथित 25 लाख नहीं पता कि इस आंकड़े का आधार क्या है। 21 लाख क्यों नहीं, 2.5 लाख क्यों नहीं। हो सकता है कि यह लोगों और चौकीदारों के गले न उतरे जिनकी स्थिति अच्छी नहीं है। उनमें से ज्यादातर गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करते हैं। दिल्ली राम गोपाल यादव में गोपाल यादव ने विवादित बयान दिया है। एक कार्यक्रम में राम गोपाल ने कहा कि पुलवामा आतंकी हमले में वोट के लिए जवान मार दिए गए। एसपी महासचिव ने कहा पैरामिलिट्री फोर्सेज सरकार से दुखी हैं, वोट के लिए जवान मार दिए गए। जम्मू श्रीनगर के बीच में चेकिंग नहीं थी, साधारण बसों से जवानों को भेज दिया गया। यह साजिश थी, अभी नहीं कहना चाहता। जब सरकार बदलेगी तो इसकी जांच होगी और बड़े बड़े लोग फंसेंगे। पुलवामा आतंकी हमले को लेकर अखिलेश यादव के करीबी एसपी महासचिव का यह बयान पार्टी के लिए चुनाव से पहले मुसीबत खड़ी कर सकता है।